बड़ी खबर के साथ, जहां बरेली में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट से आसपास के 8 मकान गिर गए, जहां जेसीबी से अब मलबा भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि मलबे में भी कई लोग दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सिरोली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब हादसा हुआ उसके बाद का ये मंजर। कई लोग इस अवैध पटाखा फैक्ट्री में दब गए हैं। अब उन्हें बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए यहां पर टीम भी पहुंची है और 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस ब्लास्ट से, इस धमाके से आसपास में हड़कंप भी मच गया और 8 मकान इसकी जद में आए, और इसी को लेकर कई लोग मलबे में दबे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जो लोग हैं और पुलिस प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर जुटी हुई है। और देखिए, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये ब्लास्ट हुआ होगा पटाखा फैक्ट्री में। और अब पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है और जांच के साथ ही तमाम जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालने का, मलबे से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो बरेली से पूरा मामला सामने आया, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। लाश से आसपास के 8 मकान गिर गए हैं। जेसीबी से मलबा भी हटाया जा रहा है। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता आलोक राय फोनलाइन पर जुड़ गए। आलोक, किस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ और वहां पर क्या हाल देखने को मिल रहा है? अब तक कितने लोग हैं जो कि अब भी मलबे में दबे हैं और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है? लेकिन अनुपमा, ये पूरा मामला बरेली जिले का है, जहां पर एक अवैध जो है पटाखा फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हुआ। इसके बाद अगल बगल के जो है करीब 8 मकान गिर गए, 5 लोग जो है तत्काल वहां पर मारे गए इस विस्फोट की वजह से। और जैसे ही ये घटना हुई, तमाम जो वहाँ के आला अफसर हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर, वो वहाँ मौके पहुंचे। जेसीबी से जो है मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि हो सकता है मलबे के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको चोट लगी हो। तो कुल मिलाकर राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने भी जो इस मामले का संज्ञान लिया था, उन्होंने निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि जो है जो भी घायल है उनकी मदद की जाए, उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो है तमाम अधिकारियों को उन्होंने मौके पर भेजा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना है, बाकी अपडेट का और इंतजार करना है कि क्या ये आंकड़ा बढ़ता है। आलोक, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि जो पटाखा फैक्ट्री है वो अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे, क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर कौन इसका मालिक था और कैसे ये हादसा हुआ है? आलोक, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताएं जी, ये पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था, अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे, क्या कौन इन तमाम जो मालिक है, क्या उसकी जानकारी निकलकर सामने आई है और पुलिस प्रशासन इस सभी को लेकर क्या जानकारी दे रही है? देखिए, पूरे मामले की जांच की जा रही है कि कौन है, इसके पीछे किसकी ये फैक्ट्री थी, क्योंकि इसका कोई लाइसेंस नहीं बताया जा रहा है। यानी ये अवैध रूप से संचालित हो रही थी, अवैध रूप से पटाखे बनाकर वहां पर स्टोर किए गए थे, जिसकी वजह से जो है ये घटना हुई, ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण रहे, इसके अलावा कौन, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी आलोक की कब तक यहां पर तमाम जो बड़ी बातें वो निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।